हेलो, मैं अनिल कुमार। कल लखनऊ से कानपुर आ गया था। मैं शादी अटेंड की और आज 18 तारीख को मैं औरैया के लिए बाइक से जाने की तैयारी में हूँ। और यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है और उसके बाद मैं बाइक को स्टार्ट करके औरैया के लिए चल दूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी यात्रा सुखद रहे, सही सलामत जाऊं और सही सलामत लौट के आऊं। बाइक चलने में बहुत अच्छी है, काफी अच्छा है एकदम लखनऊ तो। से कानपुर तक। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्त आना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस
बस चलते जाना।
कानपुर से चल के ये पहला टोल जो पड़ता है इटावा जाने में, वहाँ पे आ गया हूँ और ये टोल के पास खड़े हुए हैं। यहाँ की सड़क है बहुत चौड़ी और कानपुर की तरफ से करीबन आ गए हैं 60 किलोमीटर के आगे। इस तरह से ये नाला बह रहा है ये है, और अब यहाँ से आगे की जर्नी हमारी शुरू हो गई। मेरी जावा बाइक खड़ी हुई है, इससे हम लोग जाएंगे आगे। मेरा सामान रखा हुआ है और ये देखिए जावा की यात्रा भी बहुत अच्छी रही और अच्छी है। अभी जर्नी करनी है, कल वापस लौटेंगे लखनऊ के लिए। काफ़ी बढ़िया बाइक है, इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि जावा ज़रूर खरीदें। ये आ गए हैं, अब रखता हूँ और अगले ब्लॉक टोल के पास से चल रहे हैं। ये टोल के पास से आगे की यात्रा शुरू होने जा रही है। भाई हेलमेट लगा लिया है मैंने, बारह बजे करीब टोल के पास स्टार्ट हो रहा है। मैं अनिल कुमार और कानपुर से चला था सुबह 11 बजे, 12:55 हो रहा है और अभी आ गया हूँ मैं और पुल के ऊपर खड़ा हूँ और मंदिर समेत कोई जगह है मुझे वहाँ पे जाना है। यहाँ मैंने पूछ लिया है, जिस ओवरब्रिज से नीचे उतरूँगा तब जो है पता चलेगा कि कहाँ पर, वहाँ मुझे लोग लेने आ जाएंगे। क्योंकि औरैया के मकान दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर का रास्ता है, इस तरह से है। बस भगवान कृपा से मैं आ गया हूँ यहाँ पर। देखिए भाई ये दो बाइकें हैं, एक बाइक है जावा और एक है ये यामा एरोस, ये भी जो कि आपके बाइक है। के बारे में मुझे बोलने जा रहा हूँ कि ये जो है ये देखिए दोनों बाइकें हैं, ये मेरे हिसाब से रोड की रानी है। काफ़ी तेज ये भी भागती है, लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भागती है। और दूसरी है ये जावा, ये सड़कों का राजा है, ये रानी है सड़कों का और ये सड़कों की राजा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीड में दोनों का कोई जवाब नहीं है, अच्छी हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे। ये फ्रंट है, ये बैक से है, ये यामाहा एरोक्स 155 cc, इसमें R15 का इंजन लगा हुआ है, और ये जावा 300 cc। अपने भी रफ्तार पर भागो, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये चलाने में भी कोई डर नहीं है इसको। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं और ये दोनों ऐसी हैं। इससे भी मैं एक बार औरैया तक जा चुका हूँ और इससे भी एक बार औरैया तक जा चुका हूँ और दोनों में सेम टाइम लगा दोनों में। ये मतलब 5 दिसंबर को मैं गया था, 3 घंटे इससे भी लगे थे औरैया तक, 185 किलोमीटर, और इससे अभी 19 तारीख को लौट के आया हूँ वहाँ से, इससे भी 3 घंटे ही लगे औरैया से मेरे घर तक। तो दोनों में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए मैं राय दूंगा कि आप दोनों में से कोई भी लाइक कर सकते हो और पसंद आने पर ले भी सकते हो। ओके, यहाँ पर ब्लॉग बंद।